हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप भी करवा चौथ पर पार्लर नहीं जा पा रही हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप पार्लर जाकर अपना फेशियल वगैरह करना है, तो मैं आपको घर पर ही एक छोटी सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, एक ब्यूटी हैक शेयर कर रही हूँ, जिसको करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल पार्लर जैसा फेशियल की तरह ग्लो करने वाली है। तो ये जो रेमेडी है वो सिंपल है, आलू के साथ। इसमें जो मैं सारी चीजें यूज करने वाली हूँ, वो सारी चीजें आपको इजिली आपके घर के अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगी। आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर जो है आलू लिया है, आलू मैं आपको दिखा दूँ कि जो आलू ऊपर से ग्रीन होते हैं, बहुत ज्यादा दाग वाले होते हैं, उनको बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इस रेमेडी के लिए हम एकदम जो चिकने वाले आलू होते हैं ना, उनका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जैसे मैं आपको चिकना सा आलू दिखा रही हूँ, साफ सुथरा सा, ऐसा ही आलू आपको लेना है। आलू लेने के बाद हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसको पील करना है। तो इस आलू को मैं हटा देती हूँ, दूसरे वाले आलू को मैंने पील कर लिया है। पील करने के बाद हम करेंगे इसको ग्रेट, या फिर आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम बारीक वाला जो है वो ग्रेटर लिया है, जिससे हम आलू का जो रस है वो निचोड़ कर निकाल सके। तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ी सी ही आपको ये रेमेडी बनाकर दिखा रही हूँ, जितना कि हमारे एक हाथ या फिर एक फेस के लिए इजिली हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने हाफ आलू को ही ग्रेट किया है। इसके बाद से मैं हाथों से ही इसको निचोड़ लूंगी इस तरीके से, जिससे हमें थोड़ा सा आलू का जूस मिल जाए। इस रेमेडी में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर आलू का जूस लगभग 1 से 2 चम्मच तो चाहिए ही, पूरा 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अच्छे से जितना आलू है पूरे को निचोड़ लेते हैं। अब इसके बाद जब हमने आलू निचोड़ लिया, हाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इसको आप कांच के बर्तन में ही रखें, और जब आपको लगाना हो तभी आप तुरंत बनाइए, क्योंकि आलू का जो जूस है वो रखे रखे लाल सा हो जाता है, काला सा हो जाता है, वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो एकदम फ्रेश जो पोटेटो जूस है, जो आलू का जूस है, वही आपको लेना है। इसके बाद से जो दूसरी चीज मैं ले रही हूँ वो है रोज वाटर, यानी कि गुलाब जल। तो जो रोज वाटर आते हैं आजकल मार्केट में, उनमें से ही आप ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। दूसरी चीज जो हम लेंगे वो है प्योर ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, नहीं है तो फिर एक इशू है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे जो ग्लिसरीन है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तीनों चीजों को अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैंने मिला लिया है। अब उसके बाद हम लेंगे कॉफी, जो हमारी सिंपल कॉफी होती है, जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कॉफी पाउडर होता है, इसको मैंने यहाँ पर लिया है। और इस कॉफी के थोड़ा सा हम लेंगे लगभग हाफ चम्मच। तो जिस स्पून से मैं सारी मेजरिंग कर रही हूँ, उसी से मैंने यहाँ पर कॉफी को हाफ चम्मच के लगभग ले लिया है। कॉफी को लेने के बाद भी ध्यान रखें कि इसमें कोई ग्रेन्यूल्स ना रहे, क्योंकि ये हमारी स्किन में जो है बहुत ज्यादा रबिंग का काम करेंगे, तो अच्छे से ये घुल जाना चाहिए। उसके बाद से 1 चम्मच के लगभग बेसन लिया है। बेसन जो आप घर में यूज करते हैं फाइन पाउडर वाला, वही लिया है। तो बेसन को लेने के बाद जो दूसरी चीज मैंने ली है वो है राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा गेहूं का आटा ले सकते हैं, या फिर मतलब राइस है उसको पीस कर भी ले सकते हैं, भिगो कर पीस लीजिए, तो भी आपका राइस फ्लोर या फिर राइस का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद से इन सारी चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से मिला लेते हैं, बढ़िया से मिलाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार मिल जाता है। अब इस पेस्ट को हमें लगाना कैसे है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने हाथों पर इसको लगाकर आपको दिखाया है, थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर एक लेयरिंग करनी है। तो चाहे आप हाथ पर लगा रहे हो, इसको पैरों पर पे लगा सकते हैं, अपनी स्किन पर मतलब फेस पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। हमने इसमें घरेलू चीजें डाली हैं, हर्बल आयुर्वेदिक चीजें हैं। अब इसके बाद से इसकी एक लेयर लगाइए और 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको हाथों से रब करते रहें तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, जब ये सूख जाता है हल्का हल्का सा, इसको रब करते करते, तो क्या होता है, हल्के हल्के से ये हल्का सा ड्राई होने लगता है। और इसका एक फायदा और मैं आपको बता दूं कि जब ये ड्राई होगा ना, तो आपकी स्किन पे जितने भी हेयर्स हैं, छोटे छोटे हेयर्स हैं, जो भी हम वैक्स से निकलवाते हैं, वो हेयर्स भी इसके सहारे से निकल जाते हैं। देखिए अभी मैंने इसे 5 मिनट रखा है और हमारा जो ये लेयर है तो वो हल्के हल्के से सूखने लगा है। उस टाइम पर भी अगर आप इसको रब करते रहे, हल्का सा ड्राई करते रहे, तो भी ये हमारे लिए वैक्स की तरह काम करता है। बहुत अच्छे से हमारे जो छोटे छोटे रोए हैं वो टूट जाते हैं, वो बाल निकलने लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके से करके आपको इसको 10 से 15 मिनट तक अपनी स्किन पर रखना है, और उसके बाद से ठंडे पानी से आपको इसको वॉश करना है। कोशिश करें कि जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तभी वॉश करें। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वॉश करने के बाद मेरे हाथों की जो रंगत है, ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं। और हाँ, हाथों पर अगर कोई टैनिंग है, फेस पर कोई टैनिंग है, आप हटा सकते हैं। इसपे आपके हाथों के बाल हट जाते हैं, शाइन आती है, पार्लर जैसा ग्लो आता है। अगर आप फेशियल के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी है।
आलू से आपको पता ही है कि हमारी स्किन में कितनी अच्छी सी ग्लो आती है। अच्छे से पानी को पोंछने के बाद और हाथों पर कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और देखिए मेरे हाथ कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं। तो आपको ये पूरी रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।